आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं, आज उनको ये एहसास हो रहा है कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसे लोगों के लिए लोगों को करना चाहिए सहयोग। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये सरकार बनी, तब से राजनीति को जिस तरह से निचले स्तर पर ले आए, अब पक्ष और विपक्ष सरकार का अंग होता है, लेकिन अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये चाहते हैं पूरा विपक्ष को ही समाप्त कर दें, विपक्ष रहे ही नहीं। तो अब उनको सुबुद्धि आई है तो ये बात आज उनको याद आ रहा है। सोनिया गांधी को सवाल जवाब ईडी फिर करेगी और कांग्रेस ने पूरे नेशन वायरस का विरोध करने का दावा किया। नहीं देखिए, जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसका दुरुपयोग हो रहा है, अब ये जग जाहिर हो गया है, जनता भी सब समझ रही है। आदरणीय सोनिया गांधी जी जिस उम्र में हैं, उम्र की पड़ाव में हैं, बीमार हैं और इस तरह से ईडी का व्यवहार उचित नहीं माना जाएगा, ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के इशारे पर ईडी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का ठीका लेकर बैठी है। चार सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया पूरे मॉनसून सेशन के लिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आवाज दबाने के लिए सस्पेंशन किया गया है, हम लोग लेकिन जनता की आवाज़ को उठाते रहे। नहीं देखिए, चार सांसदों को जिस तरह से पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष की आवाज़ सदन में नहीं गूंजेगी, सरकार को आईना नहीं दिखाया जाएगा, ये कहीं से भी लोकतंत्र की शोभा को बढ़ाने वाला फैसला नहीं हो सकता है। विपक्ष की आवाज़ सदन में गूंजती है और सरकार को जब विपक्ष आईना दिखाता है तो सदन की गरिमा बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन ये सरकार तो हिटलर शाही तानाशाही पर उतर आई है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की करतूत करती रही है। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हैं लोवलिना बोरगोहेन, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसको मेंटल हरासमेंट किया गया है, जिससे प्रतियोगिता भी चल रही है, आठ दिन पहले ट्रेनिंग बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो देश की संपत्ति है तो उसको उनको इंक्रेज करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, देश की धरोहर है ये, और इन्होंने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। और जब ऐसे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का होगा तो फिर हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलाड़ियों का सम्मान ये सरकार कहती है, तो ये तो दिख रहा है कि एक खिलाड़ी किस कदर परेशान है। तो ये बात अगर उठी है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।